अपने इंक्यूबेटर में रखते हैं ये अंडे। तो चलें जी यहाँ पर रखते हैं इनको, करते हैं इंक्यूबेटर पर चालू करते हैं। ये चालू करो, इसकी लाइट चालू करो, पहले लाइट चालू कर दे, पहले इसकी लाइट चालू करो ताकि नजर आए सही। हाँ जी अब हो गई लाइट चालू हो गई जी इसकी। तो सबसे पहले एक अंडा रखते हैं जी यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, दूसरा भी उसी लाइन में, एक लाइन में पांच अंडे रखे जाएंगे ऐसे ऐसे। तो ये रोटेट कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है तो रोटेट भी होता है। रुक जाओ यहाँ पर रख कर चेक करते हैं, ये अंडा भी रोटेट होता है, हो रहा है पर टाइम ओवर हो गया अभी, लेकिन ये थोड़ा टाइम है मेरे हिसाब से, अंडा सही से रोटेट नहीं कर पाए। चल थोड़ा थोड़ा करता है ना भाई, थोड़ा थोड़ा रोटेट करना ना, सारा अंडा नहीं रोटेट करता ना भाई। हाँ एक साइड में पहले सारे अंडे रखना, फिर दूसरी साइड किस तरह करना। मोदी अब हम करेंगे 21 दिन का वेट, 21 दिन बाद देखेंगे कि क्या होता है, 21 दिन बाद देखेंगे क्या बच्चे निकलते हैं क्या होता है। अगर तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया कामयाब तो फिर तो क्या ही बात है माशाल्लाह, क्योंकि मुर्गियों के नीचे अंडे रखने से अंडे ख़राब हो रहे हैं, मुर्गियाँ बीमार हो रही हैं, बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ अंडे लेके आने और यहाँ पर रखते जाना है। इसका ये सीन नहीं है कि आप अंडे रख नहीं सकते, जब आपके पास अंडे हो जाएं 10 से 12 आप इसे खोलें और इसमें दोबारा अंडे रख दें, ये वाला मसला नहीं है कि इसमें आप अंडे नहीं रख पाएंगे। तो अभी इसमें हमने पानी वगैरह भी रखना है क्योंकि वो एक नीचे पड़ी उसमें पानी रखेंगे आप। तो इसका वो जो है वो ऑटो चलेगा, पंखा खुद चलेगा या चलाना पड़ेगा? चल रहा है ऑटो, चल रहा है। अच्छा पंखा चल रहा है, पंखा वगैरह चल रहा है तो खुद ही पानी को करेगा जो कुछ करना उसने। तो अंडे आ गए जी, और भी अंडे पड़े थे वो भी उठा के ले आने, वो हमने नीचे रखने हैं, वो हमने मुर्गी के नीचे से उठाया है क्योंकि मुर्गी बीमार हो गई या मुर्गी दोबारा ऊपर बैठ नहीं रही, तो हम वो भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि अगर हम उसके नीचे से उठा के यहाँ रखेंगे तो वो कितने दिन में क्या होगा उसका। मुर्गी कितने दिन बैठी है उन्होंने उठे? मुर्गी का यार दो मुर्गियाँ बैठी रही हैं, उनका पता नहीं चल रहा कि कितने दिन कौन सी मुर्गी बैठी है। अब पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है क्योंकि मुर्गियों ने अपनी जगह बदल ली थी। तो भाई ये तकरीबन 17 मिनट बाद है, 17-18 मिनट बाद तकरीबन ये दोबारा रोटेट करेंगे। तो मैं अंडे उठा के ले आऊँ, दूसरे अंडे उठा ले, एक मिनट में दूसरे अंडे उठा के ले आता हूँ। वो किधर गया? वो इधर तो नहीं है, ऊपर पड़े हैं भाई, ये ऊपर पड़े हैं, तो उठा ले सर से, दोनों हाथों से उठा लो। पहले पानी लेके आओ, जल्दी से लेके आओ पानी, क्योंकि यहाँ साथ ही पानी नहीं। तो ये है वो अंडे, इन पर मुर्गियाँ बैठी रही हैं, कन्फर्म नहीं है कितने दिन बैठी हैं और कौन कौन सी मुर्गी बैठी है। यार मेरी तो मान तो 2-3 दिन ना इधर ऊपर रहती है, जब कसी एक आदमी से बच्चा निकला तो फिर इन्हें नीचे शिफ्ट कर लेंगे। सामने शीशा लगा हुआ, हम शीशे में देखते रहेंगे, ऐसे पता ही नहीं चलना, पता वो कम दिन बैठी हो दिन ना हुए हो पूरे, काफ़ी ज़्यादा मसला। फर्स्ट लाइन में रख देते हैं इसी तरह का। हाँ ये देखें ये पानी है, ये यहाँ पर रखने जा रहे हैं, इसे रख दो फर्स्ट लाइन में, यहाँ पर पानी दरमियान में, यहाँ बिल्कुल पानी हमने रख दिया जी, पानी रख दिया उन अंडों को शिफ्ट करते हैं, उन अंडों को कुछ दिन ऊपर रखते हैं जैसे कोई एक आधे से बच्चा निकलने की उम्मीद है। जिनमें से थोड़ा सा डाउट है वो उनमें से ये करना, ये वाले नीचे ही रखते हैं, जिनमें से कुछ ना कुछ डाउट लग रहा है हमें। चलो डाउट वाले नीचे रखें, ये वाले ना कुछ अंडे जो ज़्यादा भरे हुए लग रहे हैं हमें यहीं पर रखना पड़ेगा, बाकी सारे अंडों को रखते हैं जी ऊपर।
तेरे सामने ही रखते हैं। सामने रखा है तकरीबन इसमें 80-90 अंडा आ जाता है, तकरीबन 80 अंडा आ जाता है। तो 80 अंडे का आप अंदाजा, 80 से भी ज़्यादा रख सकते हैं आप, जो नीचे वाली ट्रे पे भी तो अंडे रख सकते हैं। 80 तो ऊपर वाला है, 80 भी ऊपर है, जितने मर्जी अंडे आप इसमें तकरीबन आप समझ लें आप 100-150 अंडे रख सकते हैं। और 100-150 अंडा आपको और ये 21 दिन बाद बहुत अच्छे देता है, तो समझो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगा। ये अच्छा मतलब बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, अंडों से बच्चे निकालें। ये तो आप ब्रॉयलर से अंडों से भी निकाल सकते हैं, इसका तो कोई मसला नहीं। इसने कौन सा बताना कि ये देसी से निकालेगी या ब्रॉयलर से निकालेगी, जो मर्जी हो जिसके मर्जी अंडों से आप निकलवा लें। लो जी हमारा ये इंटरव्यू हो गया।